हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास पोको का C50 फ़ोन। और इस फ़ोन में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है। तो इस फ़ोन का लॉक किस तरीके से रिमूव करना है ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हार्ड रिसेट कैसे करना है ये दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन मिलता है, ओके, इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पे फ़ोन को कर दीजिए पावर ऑफ। तो फ़ोन शट डाउन हो रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए। और उसके बाद फ़ोन ऑफ होने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। किस तरीके से ये आप फॉलो कीजिए, ये देखिए पावर बटन मैं प्रेस कर दिया हूँ और उसके बाद वॉल्यूम अप, ओके, और दबाए रखना है जब तक यहाँ पे लोगो ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको का लोगो आ गया है। अब यहाँ पे पावर से फिंगर को हटा देना है और वॉल्यूम अप देख सकते हैं कंटिन्यू दबाए रखा हूँ, ओके, जब तक रिकवरी मोड में ना चले जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो कमांड का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पर अब क्या करना है, ये देखिए पावर बटन प्रेस करके यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है और यहाँ पे चल जाएगा रिकवरी मोड में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में, ओके। तो यहाँ पे ना टच काम नहीं करेगा, पावर बटन जो है उसी के ऊपर जो वॉल्यूम डाउन बटन है, डाउन बटन से आपको क्लिक कर करके नीचे आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में आ गया हूँ। अब यहाँ पर पावर बटन करना है एंटर के लिए, ओके। तो यहाँ पे एक बार प्रेस कर दिए और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट है, तो फिर से वॉल्यूम डाउन प्रेस करना पड़ेगा और एंटर के लिए पावर बटन। यहाँ पे वाइप हो रहा है तो वेट कर लेते हैं, ये वाइप सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फ़ोन को रिबूट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन में ही रिबूट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर पावर बटन प्रेस कर देना है, फ़ोन अब क्या होगा ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक ऑन होगा, वेट कीजिए। इसी तरीके से दोस्तों फ़ोन को रख दीजिए, ऑटोमेटिक ऑन होगा, कुछ भी करने का नहीं है, ओके। ये सब प्रोसेस करने के बाद गैस फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। और ये प्रोसेस आप जब भी कर रहे हैं फ़ोन को 20% करके कीजिए, बेस्ट रहेगा, तब दोस्तों फ़ोन ऑन जल्दी हो जाता है, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं होता, रुकता नहीं है लोगों पर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड ऑल टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे स्किप का ऑप्शन मांग रहा है, तो स्किप करते हुए मैं निकल जाऊँगा, सेट ऑफलाइन करता हूँ, क्योंकि गाइस मैं जो इस फ़ोन में है गूगल आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पे मैं स्किप किया हूँ। आपके पास अगर गूगल आईडी और पासवर्ड था फ़ोन में लॉगिन प्ले स्टोर में, तो आपको वाईफाई कनेक्शन लेके आगे जाना है। यहाँ पे मेरे पास नहीं था, स्किप करते हुए निकल जा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड नहीं डालना है मेरे को, स्किप करता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, गेटिंग रेडी, और यहाँ पर फिर से एक प्रोसेसिंग ले रहा है, तो लेने देते हैं, वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, ओके। और यहाँ पे जो लॉक था फ़ोन में वो हट चुका है, ओके, ये देखिए। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लव यू गाइस।